हाय एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वन बाय क्वाड्रेटिक और वन बाय रूट क्वाड्रेटिक पढ़ा था। इस बार हम सब में हम लोगों ने एक ही चीज़ देखी थी कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं जो बार बार आपको मिलेंगे। एक तो ये वाला मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक आपको ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर आपको इसी का भाई मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले बेसिकली ये क्वाड्रेटिक की तरह ही दिख रहे हैं, क्वाड्रेटिक ही है ना, बट इस क्वाड्रेटिक में आपको एक्स का टर्म नहीं मिलेगा। तो आपको कोई दूसरी क्वाड्रेटिक देता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ऐसा ऐसी शक्ल बनाओ, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। एक और हमने देखा था कि अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक या तो इस तरह से ब्रेक हो सकती है ना, या तो इस तरह से ब्रेक हो सकती है, या तो फिर इस तरह से ब्रेक हो सकती है, सॉरी, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये छह टोटल अपने पास फॉर्म्स आ सकते हैं, इनके बारे में अपन फटाफट देख लेते हैं एज अ रिविजन। इसका आंसर क्या आएगा पहले वाले का, एक्स बाय। ठीक है, और लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा, इसमें वन बाय ए नहीं आता है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो आंसर है अपना, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा, वन बाई टू ए इंटू लॉग ऑफ एक्स, पहले है तो एक्स आएगा। ठीक है, और ये वाला क्या आ जाएगा, वन बाई टू ए, यहाँ पे ए पहले है तो ए पहले आएगा। ठीक है, प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक, अच्छा ये वाला देखेंगे अपन, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ना एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर बाद में आता है तो साइन इनवर्स होता है, पहले आ जाता है तो फिर वो एलएन वाला होता है। तो एलएन ऑफ क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर अंडर रूट के साथ, और यहाँ पे जाएगा एक्स प्लस पूरा का पूरा डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा ये वाली शक्ल को भी याद रखना, कभी आपको क्वेश्चन में ये दिख जाए तो समझ जाना कि इसका डेरिवेटिव ये होता है, वन अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव सीधा सीधा ये होता है, आप ये भी याद रख सकते हो, मतलब ये शक्ल जो है याद रखना कि दिस इज अ फेमिलियर फेस, बस देख लो ना करके, नहीं आएगा यहाँ पे, आप पुट करके देख लो एक ही जगह नहीं आता है, डेरिवेशन है भाई। यहाँ पे आप एक्स की जगह ए टैन थीटा रखोगे, यहाँ पे आप एक्स की जगह ए साइन थीटा रखोगे या ए कॉस थीटा रखोगे, जब आप करके देखोगे तो ऐसा आंसर आएगा, उसमें नहीं आता है वन बाई टू, हाँ मतलब उसमें आ जाता है इसमें नहीं आता है, करके देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने याद रख लिया कि अच्छा इसमें आता है इसमें नहीं आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद ये तो वन बाय क्वाड्रेटिक और वन बाय रूट क्वाड्रेटिक ऐसे सॉल्व हो जाता है, तो कभी भी अपने को वन बाय क्वाड्रेटिक मिला आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं जिसमें होता है लीनियर ऊपर और क्वाड्रेटिक नीचे। ठीक है, लीनियर ऊपर और क्वाड्रेटिक नीचे। अब इसको सॉल्व करने के तरीके मैं आपको पहले बताता हूँ, बहुत आसान सा एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको है ना तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है, अच्छा और ऊपर मैंने लिख दिया 6x प्लस 5, क्या आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे? बहुत ध्यान से देखना है ना, एक एक कोएफिशिएंट को अच्छे से देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या करना चाहा है यहाँ पे। सब्स्टिट्यूशन, इसका डेरिवेटिव साफ साफ ऊपर लिख दिया है, समझ में आ रहा है सबको, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x और 5x का डेरिवेटिव 5, ये 3 से फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब नीचे वाले क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। अब हर बार इतना खूबसूरत क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, बट आप उसको खूबसूरत बना सकते हो, जैसे कि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक अगर अपने को आता है तो उसको सॉल्व करने का एक और तरीका जो अपन बाद में पढ़ेंगे, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। अभी इतना लोड मत लो, अभी मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि ये जो नीचे वाली क्वाड्रेटिक है इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, अगर नहीं है तो बना लो। ठीक है, तो मैं आपको दो क्वेश्चंस करवाऊंगा सेम टाइप के दो क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये वाला पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, दोनों में आपको समझ में आ जाएगा कि करते क्या है, फिर इसका अपन एक स्टैंडर्ड तरीका लिख देंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, अब ऊपर मैं इसका डेरिवेटिव नहीं दूंगा, मैं कुछ भी उटपटांग लूंगा लिख दूंगा जो मेरा मन कर रहा है, 7x प्लस 2 लेट अस से। ठीक है, यहाँ पर इसका साफ साफ डेरिवेटिव लिखा हुआ है, यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं लिखा हुआ है, तो अगर डेरिवेटिव मिल जाए, इतनी अच्छी किस्मत है अगर, तो आप क्या करो नीचे t बोल दो और आपको मिल जाएगा 6x प्लस 5 dx बराबर dt। ठीक
ठीक है, तो ऊपर पूरा 6x प्लस 5dx ही पूरा dt हो जाएगा और नीचे आ जाएगा t, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा ln ऑफ t प्लस c, मतलब ln ऑफ नीचे जो भी आइटम था आपका जिसको t माना, 3x² प्लस 5x प्लस 3 प्लस c। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, कोई बताना चाहेगा? सबसे पहले तो हमने क्या सोचा? हाँ नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बना के फायदा नहीं होगा इसमें। ये वाला परफेक्ट स्क्वायर तब बनाते हैं जब ऊपर वन हो, हर बार ऊपर वन हो तब फायदा होता है, यहाँ पे फायदा नहीं होता है। यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन, जबरदस्ती देखो कैसे बनाएंगे अपन, है ना, पहले तो यहाँ पे 6x होता काश 7 की जगह, मैंने क्या करा 7 को जबरदस्ती बाहर लिया, तो ये बन गया x प्लस 2/7, ठीक है, और नीचे 3x² प्लस 5x प्लस 3। अब मैंने सोचा काश यहाँ पे 6x होता, है ना, तो मज़ा आता। तो फिर अपन ने क्या करा, इस पूरी चीज़ को 6 से मल्टीप्लाई करा और 6 से डिवाइड करा, तो अभी भी खेल 70% हो गया, फिर भी बचा है 6x प्लस 12/7, ठीक है, 12/7 थोड़ा सा अनवांटेड लग रहा है बट कोई बात नहीं। और नीचे लिखा है 3x² प्लस 5x प्लस 3, राइट। अब हमने सोचा कि काश 6x प्लस 5 होता, तो प्लस 5 माइनस 5 कर देंगे, प्लस 5 माइनस 5, तो ये 6x और ये 5 इन दोनों को एक साथ लिखा, अपॉन डिनोमिनेटर तो पूरा 3x² प्लस 5x प्लस 3 है ना, बाहर 7/6 को मैं ऐसा रहने देता हूँ पूरा ब्रैकेट में। फिर बचा के अपने पास 12/7 माइनस 5, इसको जल्दी से करते हैं, 12 35 माइनस 23/7 है ना, तो माइनस ऑफ 23/7 पहली बार निकाल दिया, अब इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² प्लस 5x प्लस 3। यस, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर से और यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, खत्म, ठीक है। तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक दिखे आपको तो ऐसा करना। अच्छा, ये स्पेशली अपन कब लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना है ना, बहुत ध्यान से, आप भूल जाओगे इसको, मैं आपको अभी बताऊंगा आप शायद समझ जाओगे, फिर उसके बाद उसको तुरंत भूल भी जाओगे। ये जो नीचे क्वाड्रेटिक है, अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होती है, फैक्टराइज नहीं होती है, तब हम जनरली ऐसा तरीका यूज करते हैं। अगर फैक्टराइज हो जाती है तो और आसान तरीका मार्केट में है जो अपन बाद में पढ़ेंगे, समझ में आया? फैक्टराइज मतलब डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, जैसे यहाँ पे मैंने देखा ही नहीं, अभी आप देखोगे तो 20² 25 माइनस 4 3 12, 12 3 36, ये नहीं हो रहा है ना, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो अपने को ऐसे ही करना पड़ेगा कि इसका डेरिवेटिव ऊपर बना लो। अगर फैक्टराइज हो जाता है तो आप ऐसे कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन इससे आसान तरीका भी है अपने पास जो अपन सीखेंगे बाद में, ठीक है। कुल मिला के ये तरीका आप कभी भी लगा सकते हो, बट अगर फैक्टर्स निकल जाते हैं तो अपन पार्शियल फ्रैक्शन लगाना सीखेंगे, जो मेथड नंबर 3 होगा, ठीक है, तो इसको लिख डालो आप। अच्छा, लिखने से पहले आप अगर चाहो तो मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ इसकी, है ना, थ्योरी हो जाएगी कि ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अंडर रूट, ठीक है, ऐसा कुछ देखते हैं, दोनों में आप सेम तरीका लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो करना क्या है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, तो अपन क्या लिखेंगे, राइट न्यूमरेटर एज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, बस ये इसका वर्किंग रूल हो जाएगा। फिर आप ये दो क्वेश्चन लिख लेना एज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज कैसे लिखेंगे, पी एक्स प्लस क्यू, क्यू को आप क्या लिख दोगे, देखो कुछ कांस्टेंट टाइम्स, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना है, एक्स स्क्वायर टू ए एक्स प्लस बी, टू ए एक्स प्लस बी प्लस सम अदर कांस्टेंट, ठीक है, मतलब क्या हो गया, आप लोग समझ जाओ, पहले लिख लो, ये तो थियोरिटिकल भाषा हो गई, प्रैक्टिकल भाषा समझ में आती है? नहीं 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 लीनियर बाय लीनियर थोड़ी, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, लीनियर बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। हाँ, आप बोल रहे हो कि वो लीनियर बाय लीनियर जैसा ही होना चाहिए, लेकिन हाँ, वो तब होगा ना जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तब आप निकाल सकते हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, लिखिए वर्किंग रूल लीनियर बाय लीनियर, और उसका वर्किंग रूल ये है, मैंने थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया आज, वर्किंग रूल आप ये लिख दो, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2।
इसको 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 वन बाय क्वाड्रेटिक कल ही सिखाया था, परफेक्ट स्क्वायर बना के, परफेक्ट स्क्वायर। अरे अभी तो बता रहा था मैं, छह केसेस बन सकते हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है, छह नहीं चार, कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। हाँ भाई खुद ही सोचो ना, परफेक्ट स्क्वायर कैसा बनता है, लीनियर स्क्वायर माइनस या प्लस कॉन्स्टेंट, हमेशा आपको स्टैंडर्ड मिलेगा ही मिलेगा, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर बनाते ही खत्म हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, तीन क्वेश्चन करेंगे अपन, हार्डली पांच मिनट में तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे ना, अगर आप थोड़ा भी स्पीड पकड़ते हो तो। तो 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 4x प्लस 3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये वाला कर लिया होगा आप लोगों ने ना, इसको पीछे ही करना पड़ेगा। देखिए इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 2 आ रहा है, यहाँ पे 2x प्लस 3 दी गिवन है, तो ये जो प्लस 3 है इसको आप क्या करो 2 प्लस 1 लिख दो, ताकि ये चिड़िया जो है इसको आप सेपरेट कर पाओ। तो 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये तो पहला वाला इंटीग्रल हो गया, और दूसरा वाला इंटीग्रल हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक। अपन ने क्या करा, नीचे वाले को t बोला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इसको t बोला, तो 2x प्लस 2 dx ये हो गया dt के बराबर, तो बस ये हो गया ln t आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। और ये वाला देखिए जो पूछ रहे थे मेरे से विवेक, परफेक्ट स्क्वायर बना दो, इसको क्या बनेगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, ये तो टैन इनवर्स बन जा रहा है ना, तो
tan इनवर्स x प्लस वन। अभी यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1 बाई ए आता, लेकिन ये a का वैल्यू ही 1 के बराबर है, प्लस c भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इधर आ जाते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, 6x प्लस 3, ऊपर 4x प्लस 3 गिवन है, तो 6x बनाने के लिए आप क्या करोगे, पहले 4 कॉमन लोगे है ना, फिर 6 मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 कॉमन लिया अपन ने, तो यहाँ बना होगा x प्लस 3 बाय 4, फिर 6 मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस 3 इंटू 6, अच्छा 6 मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे। ये काम मैंने बड़ा जल्दी जल्दी कर दिया है, आपको जल्दी जल्दी समझ में आना भी चाहिए, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ से अपन ने 4 कॉमन लिया तो क्या आया होगा, x प्लस 3 बाय 4, फिर मैंने 6 मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, 4 तो सिर्फ कॉमन लिया है, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है उसमें, है ना, ये बन गया अपने पास। अच्छा फिर प्लस 3 की ज़रूरत है तो प्लस 3 किया और माइनस 3 किया, तो ये वाली दो आइटम जो इनको एक साथ लिखेंगे, बाहर 2 बाई 3, 4 बाई 6 बन गया 2 बाई 3, 6x प्लस 3 होल थिंग डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx प्लस 2 बाई 3 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 2 3 9, 9 बाई 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 9 6 9 माइनस 6 3 बाई 2 आएगा ना, 3 बाई 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बस यहाँ से मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि इसका आंसर आप खुद ही लिख दोगे, ln ऑफ डिनोमिनेटर, ये तो क्लियरली ln ऑफ डिनोमिनेटर है। अच्छा क्या, अच्छा सुनो सुनो, मैंने है ना यहाँ पर शायद मैं यहाँ पे बच गया, अच्छी बात है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या करोगे आप, 2 बाई 3 इंटू ये 3 बाई 2 आ जाएगा बाहर, वो तो 1 हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे ना, बताओ मुझे क्या बनेगा, 3 कॉमन ले लूँ अगर मैं तो एक्स स्क्वायर प्लस, 3 कॉमन लिया ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय 3, ऐसे तो आप कर लोगे, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 1 बाय 3, 1 अपॉन इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, माइनस 1 बाय 4 भी करेंगे तो 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में इसलिए इतनी फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये अपन ने बहुत अच्छे से सीखा है सब कुछ, 4 माइनस 3 1 बाई 12 आ जाएगा, सो दिस विल बी ऐसा 1 अपॉन एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 12, ठीक है। कोई मुझे बताएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ln लिखना चाहिए, वैसे मैं को कभी कभी log लिख रहा हूँ, कभी कभी ln लिख रहा हूँ, x प्लस हाफ, ये x की जगह x प्लस हाफ है, माइनस a, a क्या है 1 बाय रूट 12 अपॉन x की जगह पूरा लीनियर प्लस a, ठीक है। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दैट पार्ट, और इसका फाइनल आंसर तो लिखा ही अपन ने, बिल्कुल मैच करेगा है ना, आप चिंता मत करो, आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों से मैच हो जाएगा आपको, ये वाला पार्ट का आंसर इधर है, क्या चीज, 1 बाय 2 ए भी होना चाहिए ना, 1 बाय 2 ए मैंने लिखा नहीं, लिखने में छापने में गलती हुई, देखो फिर से लिख देता हूँ क्या आ जाएगा, फिर ये tan इनवर्स ऑफ x, अच्छा सुनो 1 बाई 3 को बाहर रहने दो, 1 बाय a, a कितना है रूट 1 बाय रूट 12 है, 1 बाय रूट 12 तो क्या दिक्कत है, लीनियर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सही तो है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसलिए छेड़ेंगे नहीं इसको, तो 1 बाय a लिखा मैंने, टैन इनवर्स ऑफ x बाय ए, यार ये सब दिखा देना तो मेरे को बहुत डर लगता है, एक क्वेश्चन लिख लें दो मेरे को जब तक,
एकदम ही अलग आंसर आ रहा है क्या तुम्हारा? 4x² + 4x + 2 ये ऐसा हो जाएगा, दिस इज इट, ठीक है, ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऊपर 8x है ना, जिसको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देख रहे हो 8x + 5 है, देखो 8x + 5 कट गया है वो, मैं ऐसा देख पा रहा हूँ, तो थोड़ा पीछे कर देते हैं अपन ट्राइपॉड से। क्या इस तरफ तुम क्या कह रहे हो अमर? अच्छा हाँ, तुमने क्या कर दिया इसमें, 12 कॉमन ले लिया। अच्छा तो पूरा अच्छे से इसको घसाते ना तुमने, यहाँ पे छोड़ दिया। देखो तुमने जब 12 को अंदर मल्टीप्लाई करा, ओहो देखो 12 जब अंदर जाएगा तो ये इसके अंदर जाके क्या बनेगा, ये यहाँ पे 12 × 12 मल्टीप्लाई होगा ना, 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये इस लीनियर के अंदर घुसेगा ना, 2√3 या बनेगा तो भी उसका, उसने अंदर घुसाया तो अंडर रूट बन के घुसेगा उसका, तो 2√3x + 1/2 × 2√3 है ना, तो 2√3x और 2√3 को तुमने डिवाइड करा है, और ए तो 1 ही आ गया तुम्हारा। हाँ ठीक है, सही किया सही किया, बट मैं तो उतने पंगे नहीं लूंगा कभी भी, स्टैंडर्ड हमेशा ये दिख रहा है ना जो आपको, वैसा बनाओ। कहाँ पे 1/√12 ये 1/a, ये a स्क्वायर है, देखो मैं जिसको समझ नहीं आ रहा मैं बताता हूँ, x² + a² a स्क्वायर मतलब 1/12 मतलब 1/√12 का स्क्वायर होता है ना, तो 1/x² + a² लिखा हुआ है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan−1 x/a, तो वो जो 1/a है वो है ये 1/√12, तो √12 उचक के ऊपर जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ये पूरा लीनियर अपॉन a, ऐसा आया क्या समझ, ये वाला दिस इज 1/√12, ये पूरा a है, 1/√12 जो है ना ये पूरा a है, ये होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म 1/x² + a² तो 1/a tan−1 x/a, अभी x की जगह लीनियर आ गया है और a की जगह 1/12, a स्क्वायर की जगह 1/12 आ गया है, ऐसा है। ओके वो वाला क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा, लेकिन ना ऐसे क्वेश्चन में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि लॉजिक इजी होता है बट कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी, सोचना मुश्किल नहीं है लेकिन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज रहेगा ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव होना चाहिए 8x + 4 ऊपर, 8x + 5 गिवन है, कोई बात नहीं, आप 8x + 5 को 4+1 लिख दो, तो 4+1, अभी जो 1 मैं लिखूंगा उसको मैं अगले इंटीग्रेशन में ऐसे लिख दूंगा, 1/√4x² + 4x + 2, ठीक है। अच्छा ये जो पहला वाला इंटीग्रेशन है इसमें मैं क्या करूंगा कि 4x² + 4x + 2 इसको क्या मान लेंगे, टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8x + 4 dx, 8x + 4 dx, दिस विल बी 2t dt, तो ऊपर आ जाएगा 2t dt और नीचे आ जाएगा क्या, टी स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज टी, ये हो गया इंटीग्रल। प्लस यहां देखते चार को जबरदस्ती बाहर निकाल लेते है ना, तो ये 1/2 बन के बाहर निकलेगा और यहाँ पे बन जाएगा x² + x + 4 बाहर निकाला तो हाफ, उसका अंडर रूट, इसका हाफ परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो क्या बन जाएगा, x + ½ का होल स्क्वायर, और −1/4 करेंगे तो ½ − 1/4 = 1/4। क्या चीज
नहीं करता मैं वो, समझ रहा हूँ मैं, आसान है वो भी, मुश्किल थोड़ी है, I just don't prefer it. बन जाएगा वो भी, बन जाएगा बड़े आसानी से बन जाएगा. इनफैक्ट फिर तुमको लास्ट में जो प्लस टू एक्स आ रहा है उसका टू डिवाइड करना रहेगा, वो भूलना मत है, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है. नाउ दिस इज अगेन टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय टू का स्क्वायर. तो इसका आंसर देखो, और ये तो अंडर रूट है ना यार, अंडर रूट है ये, सॉरी अंडर रूट है, तो ये बन जाएगा लॉग वाला. तो ln ऑफ x नहीं लिखेंगे, ये लीनियर लिखेंगे क्योंकि x की जगह अब लीनियर आ गया है, प्लस पूरा का पूरा डिनोमिनेटर, पूरा डिनोमिनेटर वट एवर इट इज, ठीक है. और यहाँ पे 2t आ रहा है, अभी 2t कर लेना रूटेज है ना, जो भी प्लीज डू इट योरसेल्फ. थोड़ी सी कम जगह में मैंने ज़्यादा चीज़ें सॉल्व करी है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है ना, इसको ओवर स्ट्रेस नहीं करना इस चीज़ को. तो ये वाला टॉपिक अपन खत्म करते, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में कुछ बात करते. ये तो हो गए अपने जितने भी रैशनल फंक्शंस हो सकते थे, सिंपलिस्टिक वाले, वन बाय क्वाड्रेटिक और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्यूबिक तक बात नहीं जा रही यहाँ पे. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखो यहां पर देखिए, इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर में m, साइन की पावर में mx इंटू कॉस की पावर में nx, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई देता है, यहां पे m और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यार ठीक है आदित्य इतनी लेट आ रहा है. ओके बोथ इवन, तो ये करेंगे, लास्ट वाला पॉइंट मैं अलग से लिखा दूंगा, ठीक है. अगर दोनों, फर्स्ट वाला पॉइंट लिखते हैं अपन, पहले तो देखो यार मैं आपको है ना समझाता हूँ कि इसमें है क्या. अगर आपको ऐसा दिखा कि साइन की पावर में कुछ है, कॉस की पावर में कुछ है, अभी बड़े बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े नहीं, 10-12 जैसे नहीं, 4-5 या 6-7 या 8-8 ऐसा कुछ कुछ, थोड़े से बड़े पावर्स, एक्सट्रीमली बड़े पावर्स नहीं देगा आपको, उसकी चिंता मत करो, लेकिन थोड़े भी बड़े पावर्स आ जाते हैं तो क्या करना है ना, तरीका बता रहा हूँ मैं. तो अगर m और n नेचुरल नंबर है तो हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको तीन चीज़ लिखाऊंगा. अब m और n या तो दोनों के दोनों ऑड हो जाएंगे या दोनों इवन हो सकते हैं, ध्यान दे रहे हो आप, दोनों के दोनों अगर ऑड हो गए या दोनों के दोनों अगर इवन हो गए या एक ऑड इवन हो गया, तो तीनों केस में हम सोचेंगे क्या, वो बता रहा हूँ मैं आपको. तो पूरा थ्योरी यहाँ पे तीन पॉइंट्स में लिखवाऊंगा, ठीक है. थोड़ा सा अपन बोर होंगे जब तीन पॉइंट्स लिखेंगे, मैं आपको ओरली पहले समझाना चाहता हूँ. चलो कोई लिखवा देते हैं, पहले लिखो इफ एम एंड एन, हाँ बोलो, बोथ आर क्या, अलग अलग कैसे आएंगे, मतलब साइन की पावर में 6x का इनटू dx उसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो फिर वहां पे नहीं हो जाएगा, नहीं ऐसे चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि फिर cos की पावर 0 मान लेना है ना, बट मैंने नेचुरल बोल रखा है, बट चल जाता, मैंने किया है, हो जाता है, तुम जो जो बोल रहे हो सब करके रखा है मैंने, है ना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा. साइन की पावर 5 मैंने सेम लॉजिक से भी किया, और कल मैंने आपको कराया था साइन की पावर 5, वो खैर इतने आसान होते ना, इसमें यहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती. वन इज ऑड, अदर इज इवन. अरे ये क्या लिखा है मैंने, पहला पॉइंट अलग लिख दिया, चलो कोई बात नहीं. इफ m and n बोथ आर ऑड, सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जैसा मेरे पास है, उससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा. सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट हायर पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फंक्शन समझ में आपको कुछ भी नहीं आएगा अभी. इफ वन इज ऑड अदर इज इवन, इफ वन इज ऑड अदर इज इवन, है ना,
सब्स्टिट्यूट टर्म ऑफ इवन पावर, इफ बोथ आर इवन, बोथ आर इवन, यूज trigonometric identities to evaluate. इसमें कोई रूल नहीं होता है, इसका कहने का मतलब है कि कॉमन सेंस लगाओ, दोनों इवन हो गए तो कोई रूल नहीं है, दिमाग लगाओ आप अपना, है ना? अच्छा ठीक है, मैं तो क्या एक बात बताऊं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ना मैं ये याद रखता हूँ, ना मैं ये याद रखता हूँ, ना मैं ये याद रखता हूँ, तीनों ही याद नहीं रखता हूँ। क्वेश्चन आएगा ना, आप अपने आप सोचना सीख जाओगे कि करना क्या है। इसमें दो रूल्स होते हैं, आपको मैं चाहूंगा कि अब कितना लाइन छोड़ोगे, तीन लाइन छोड़ देना है, एक साथ सारी चीज लिखवाऊंगा ना तो घुसेगा नहीं खोपड़ी में, तो अभी तीन लिखवाया, तीन अप्लाई करते हैं, फिर लास्ट में दो चुपके से लिख लेंगे, उनको अप्लाई कर लेंगे, तीन या चार लाइन छोड़ देना, ये तीन अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए सबसे पहले एक सवाल लिया मैंने, यहाँ पे अपन लिख देते कुछ ऐसा, साइन की पावर में 5x इंटू कॉस की पावर में 6x dx, ठीक है, सबका कंसेंट्रेशन आगे होना चाहिए, ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है ना, तरह तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर आते हैं, आपको अगर साइन और कॉस की पावर में दिखे तो समझ जाना कि अपने को किसी ना किसी को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, क्या है, अच्छा किसी ना किसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आप लोग सोचो, इधर हर कोई, ये रहा कॉस और ये रहा साइन, अगर मैंने साइन को टी बोल दिया, मान लो पहले तो खैर यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इफ यू कैन रिमेम्बर, बहुत अच्छी बात, एक ऑड एक इवन ना, क्या बोला है, वन इज ऑड अदर इज इवन, देन सब्स्टिट्यूट द टर्म ऑफ इवन पावर, तो इवन कौन है, सिक्स वाला, तो मतलब आपको करना क्या है यहाँ पे, अगर रूल याद रहता है तो कॉस एक्स को आपको टी बोल देना है, खत्म, कॉस एक्स को टी बोलोगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी, ठीक है, इसका माइनस मैंने आरएचएस में दे दिया, बस आपका काम हो गया, अगर अपन ने रूल फॉलो करा तो करके देख लेते ना, इसको टी बोल दिया तो ये टी की पावर में सिक्स हो जाएगा, अच्छा डीएक्स क्या बन गया, ओह माय गॉड, साइन एक्स डीएक्स चाहिए ना अपने को, ठीक है, तो एक साइन एक्स यहाँ से चुराया, चुरा ले, और वो वाला साइन एक्स और डीएक्स मिलकर क्या बन गया, माइनस डी टी, तो यहाँ पे कितने साइन बचे, साइन की पावर में फोर, अब उसको कॉस के टर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि अपन ने टी तो कॉस को माना है, तो साइन की पावर फोर को देखो ऐसे लिखेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, आसान है ना, बहुत मुश्किल नहीं है, ओके, अब ये इजीली सॉल्व हो जाता है, इसको खोल दो मुंह फाड़ के, फिर टी की पावर सिक्स से मल्टीप्लाई करो तो बहुत बड़े बड़े पावर्स आ जाएंगे, बट इंटीग्रेबल है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ, खोल देंगे इसको तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, फिर टी की पावर में सिक्स बाहर है ना, अब इसको टी की पावर सिक्स को अंदर घुसाओ बारी बारी से, टी की पावर सिक्स इंटीग्रेबल माइनस है बाहर, फिर माइनस प्लस माइनस, टी की पावर टू और टी की पावर सिक्स कितना हो गया, टी की पावर में एट डी टी, ईजिली इंटीग्रेबल, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, टू इंटू टी की पावर में, मैंने कुछ गड़बड़ करा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वन इंटू टी की पावर सिक्स, टी की पावर फोर, टी की पावर सिक्स, यहाँ पे टेन आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे सब कुछ सही कर रहे थे अपन, टू आएगा टी, टू प्लस सिक्स एट डी टी, अब ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, आराम से अपना आंसर आता है इसका, आप ऑप्शन से मैच भी करा लोगे, ठीक है, तो अगर अपन ने रूल फॉलो करा तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप फंसोगे ही नहीं, लेकिन आपको रूल याद नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे, है ना, पक्का भूल जाओगे, तो उस समय करना क्या है, आपको इतना तो याद रहना चाहिए, किसी एक को टी रखना है तो करके देख लो ना, हिट एंड ट्रायल्स, किसी एक को तो रखना ही है तो रख के देख लो, जिसमें ज़्यादा मजा है वो कर लो, तो अगर आप कॉस को टी रखते हो तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, अच्छा देखो मैं आपको है ना ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, सच में मजा आ जाएगा, जैसे अगर अपन ने कॉस को टी रखा ना तो यहाँ से एक साइन चुराना पड़ेगा अपने को, क्योंकि फिर साइन एक्स डी एक्स जो होगा ना वो डी टी होगा, तो यहाँ से एक साइन चुराएंगे तो यहाँ पे पावर इवन हो जाएगा, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो आप चुरा रहे हो ना, चुराने के बाद इवन क्रिएट होना चाहिए, चुराने के बाद अगर यहाँ पे फाइव रहता ना तो आप ये चीज नहीं लिख पाते, फिर सोच कर देखो, फिर वो क्या लिखते हैं आप, साइन स्क्वायर का थ्री, किस मुंह से लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का पावर थ्री, या फिर करने को तो वो भी कर देते,
कर देते, कोई दिक्कत तो नहीं जाती वैसे भी, लेकिन ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, अगर अपन चलो एक काम करते कि आपने उल्टा कर लिया होता, बाय चांस अगर आपने साइन एक्स को टी माना होता तो क्या आता, कॉस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी के बराबर, राइट। तो अब यहां से एक कॉस चुराओगे तो पावर जो रह जाएगा वो ऑड रह जाएगा, है ना, पावर इवन रहना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अपने साइन एक्स को टी बोला तो ये टी की पावर में फाइव लिखा हुआ है, और यहाँ से एक कॉस चुराया, वो कॉस एक्स और ये डी एक्स मिलकर डी टी हो गए, और यहाँ पे बचा कॉस की पावर में फाइव, कॉस की पावर में फाइव बचा है ना, तो कॉस एक्स की पावर में फाइव, इसको आप टी के टर्म्स में कैसे लिखोगे, कैसे लिख तो मैं दूंगा जबरदस्ती कैसे भी लिख दूंगा, लेकिन मजा बिल्कुल नहीं आएगा। देखो कैसे, पावर फाइव है ना, साइन एक्स क्या है, टी है, और कॉस एक्स लिखना है आपको टी के टर्म्स में या साइन एक्स के टर्म में, तो आप ऐसा लिखोगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स, फिर इसका अंडर रूट लोगे तो कॉस एक्स आएगा, फिर इसकी पावर में फाइव डालोगे, ऐसा आ जाएगा। आ रही बात समझ में, टी की पावर में फाइव इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर, ये अंडर रूट को हटा के पावर हाफ लिख देता हूँ मैं, तो पावर हाफ मतलब फाइव बाई टू, देख लो पावर घटिया आ गई है अपने पास फाइव बाई टू। अब इसको एक्सपैंड थोड़ी करेंगे, बाइनोमियल एक्सपैंड करना पड़ेगा, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे अगर आप तो वैसे भी इंडेक्स जो है वो अपने पास रैशनल नंबर है फाइव बाई टू फॉर्म का। कितने टर्म्स आते हैं इसमें याद है आपको, एनी इंडेक्स के एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आते थे, इनफाइनाइट टर्म्स आते थे, तो ये तो चलता चला जाएगा। तो आप समझ जाना कि अपन ने उल्टा सब्स्टिट्यूशन कर दिया, आप फंस गए तो उल्टा कर दिया, फिर से उसका उल्टा करके देख लो, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको याद नहीं रहता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे अपने को समझ में आने लगेगा। अच्छा ये चीज़ लिख लो पहले, ये इसका थोड़ा सा रॉन्ग अप्रोच हो गया, इसी का मैं आपको एक आसान क्वेश्चन दूंगा अभी इसके बाद। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, साइन क्यूबिक्स कॉस की पावर फाइव एक्स, देखिए साइन क्यूबिक्स इंटू कॉस की पावर में फाइव एक्स, आप सोचोगे आपको कुछ नहीं आता है, मतलब समझ रहे हो ना, इसके बारे में आपको कुछ नहीं आता है, कुछ याद नहीं है आपको, तो आप क्या करोगे, किसी एक को टी रखोगे, दूसरा उसको डी एक्स में ले जाओगे, किसको टी रखोगे, किसको डी एक्स में ले जाओगे, वो देखो आप क्या करना है, आप थिंक अबाउट इट, कॉमन सेंस लगाओ, हर क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगाओ, याद कम से कम रखो, जो याद रखने वाला पार्ट है वो आएगा, मैं चाहता हूं कि आप उसके लिए मेमोरी स्पेस बचा के रखो। आज कोई एग्जाम हुआ था आपका, कोई एग्जाम नहीं है ना, इसके बाद भी नहीं है, ठीक है, तो हो सका तो मैं आपको छोड़ दूंगा जल्दी, अगर हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं आज के टॉपिक से तो जल्दी छोड़ देंगे, अगर लगता है कि चलने दो तो चलने देंगे। हाँ कई बार ऐसा भी होता है, इसलिए मैं रूल नहीं बताता हूँ, कोई परफेक्ट रूल नहीं है,
एक्चुअली इसमें आप है ना साइन को रखोगे तो भी चलेगा, कॉस को रखोगे तो, हाँ कॉस, क्योंकि क्या होता है ना, आप करो ना खुद से ही जानो, सब कुछ खुद से जानो। जो बड़ा बड़ा पावर है ना उसको जल्दी से निपटा दो, उसको टी बोल दो, क्योंकि यहाँ पे आपने टी बोला तो ये टी की पावर 5 बन जाएगा, लेकिन अगर इसको टी बोलोगे ना तो ये टी क्यूब बनेगा, फिर इसमें से आप एक टी एक कॉस जरूर चराओगे, लेकिन स्टिल यहाँ पे कॉस की पावर 4 रह जाएगा, तो दैट इज डिफिकल्ट टू डील। हाँ तो और बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ये सारा कॉमन सेंस का पार्ट है, इसमें कोई रूल वूल याद मत रखो, किताबों में रूल दिया होता है इसलिए मैं लिखवा देता हूँ, वरना फिर बच्चे बोलते हैं कि सर बुक्स में दिया है आपने बताया नहीं। अरे मैंने यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ कि इफ बोथ आर ऑड, का है बोथ आर ऑड सब्स्टिट्यूट हायर पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कॉस के पावर 5 को रखना प्रेफरेबल होता है, रख तो आप किसी को भी सकते हो। खैर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो बड़ी पावर है ना उसको हम लोग टी बोल देंगे, सॉरी कॉस को ही टी बोलेंगे, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी, मतलब साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी, और वो माइनस उस तरफ भेज दिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स, एक साइन यहाँ से चुराया तो साइन एक्स डी एक्स बन गया माइनस डी टी। ओके यहाँ पे साइन स्क्वायर अभी भी बचा है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर, जिसने नहीं देखा फिर से बता रहा हूँ मैं, ये वाला एक साइन एक्स चुराया उसको डी एक्स के साथ, साइन एक्स डी एक्स बन गया माइनस डी टी, ठीक है। फिर यहाँ पे बचा एक साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दिया। अच्छा ये वाला कॉस की पावर 5, इसको तो अपन पहले ही शांत कर चुके हैं, टी की पावर 5 बोल के, ये क्वेश्चन अब खत्म हो गया, ठीक है। अगर आपने उल्टा किया होता कॉस की जगह आपने साइन को टी बोला होता तो भी आ जाता आपका आंसर, लेकिन ज्यादा मेहनत करना पड़ता, ठीक है। तो टी की पावर 5 माइनस टी की पावर में 10, अच्छा इसको अलग अलग कर देता हूँ अभी से, टी की पावर 5 डी टी माइनस, माइनस बाहर है ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, टी की पावर में मैंने 10 गलती से बोला था, वैसा नहीं आएगा, 10 की टी की पावर 7 आएगा डी टी, बस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी की पावर में 6/6, माइनस कहाँ आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, रुकना है ना, कोई बात नहीं, एक और लिखते हैं अपन साइन स्क्वायर कॉस की पावर 5, लिखो साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस की पावर में 4x डीएक्स, ठीक है। अच्छा जब दोनों इवन हो जाते हैं ना तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि आप लोग सफर करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें फंस जाओ अच्छे से, फिर आप सोचो कि ये ऐसे कैसे फंस गए अपन, फिर मैं बताऊंगा कि क्यों फंसे। हाँ वो मत पढ़ना, वो अपन बाद में पढ़ेंगे।
इतना तो समझ में आ गया ना कि सब्स्टिट्यूशन में आप फंसोगे, है ना। जब दोनों इवन होते तो सब्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ पे लिखवाया भी नहीं है और आप फंसोगे, ये आपको खुद से ही समझना। क्योंकि क्या होता है ना कि सब्स्टिट्यूशन में आप एक को टी बोलोगे तो यहाँ से एक कॉस चुराओगे तो फिर कॉस क्यूब बच जाएगा। इवन पावर बचता है तो मजा नहीं आता है, बचना चाहिए, सॉरी ऑड बचता है तो मजा नहीं आता है। अच्छा फील करना, फिर से मैं बता रहा हूँ जो मैंने बोला, आई रिपीट इट अगेन। साइन एक्स को अगर टी बोला तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, मतलब एक कॉस यहाँ से चुराओगे डी एक्स के साथ, वो डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस क्यूब बचेगा, क्यूब बच गया ना, मजा नहीं आया बिल्कुल, बचना इवन चाहिए। उल्टा करोगे अगर कॉस को टी रखते हो तो यहाँ पे एक साइन बच जाए, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अच्छा इफ बोथ आर इवन, मैंने क्या बोला, यूज कॉमन सेंस। अब कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है, कॉमन सेंस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाओ, करो करो कॉमन सेंस यूज करके देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाओगे आप, what should I do? आया कुछ, क्या किया बताओ, स्टार्ट ही बता दूं मैं, करके देखूं आपका। ओके ऐसा कुछ आया ना आपके पास, कर सकते हैं इसके बाद भी अपन, ऐसा नहीं है। ये वाला फॉर्मूला लगा सकते ना, अच्छा टू साइन ए कॉस बी, क्या होता है ये वाला फॉर्मूला, ये लगा सकते हो, देखो लगता है इसमें कोई खास दिक्कत है। पहले तो फॉर्मूला बताओ क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना। चलिए नाइस, बहुत बढ़िया। तो हम लोग अगर ये लगाते हैं, देखते ना आपके तरीके से मैं पूरी कोशिश करता हूँ आंसर लाने की। तो स्क्वायर, अच्छा एक काम करो इसको परफेक्ट, इसका और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। तो साइन टू एक्स इंटू साइन कॉस एक्स का स्क्वायर लिखा है, साइन टू एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक टू की जरूरत है वैसे तो, वैसे वैसे नहीं होगा। हाँ वैसे फंस जाएगी ना, एंडलेसली चलता जाएगा, कोई नहीं। मैं तो बस देख रहा था कि आपने जो करा है उसको अपन आगे ले जा सकते हैं, कि साइन ए साइन बी, कोई बात नहीं, हाफ लिख दूंगा मैं। तो साइन ऑफ ए प्लस बी, एक हाफ जरूर आएगा, वो हाफ साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब कितना हो गया 3x, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी कितना हो गया साइन एक्स, सही है क्या। और एक हाफ आएगा और इसका होल स्क्वायर यहाँ पे हाफ रहेगा। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर है ना, अगर मैंने परफेक्ट स्क्वायर खोला तो पहला परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 3x इंटीग्रेबल, साइन स्क्वायर x इंटीग्रेबल, लेकिन उसके बाद बनेगा 2 साइन 3x साइन x। हाँ वो बहुत एंडलेसली चलता चला जाएगा ना। कोई बात नहीं, देखो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सिंपली यूज करते हैं। ये साइन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिख दिया, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे कॉस की पावर में फोर एक्स डी एक्स,
मल्टीप्लाई कर दो अंदर, कॉस की पावर में 4x dx पहला इंटीग्रेबल, माइनस कॉस की पावर में 6x dx ये भी इंटीग्रेबल है। जेन बर्मन ने आपने पावर 6 सॉल्व किया है क्या? किया है, कुछ ना कुछ करा लगा के आप कर दोगे पावर 6 भी, ऑल्दो इट विल बी टाइम टेकिंग प्रोसेस, थोड़ा सा टाइम टेकिंग। खैर वो मैंने इसीलिए, ये तो हो जाएगा ना, पावर 4 तो अपन ने क्लास में ही किया है। क्या मतलब डी टी दो बार, डी टी स्क्वायर, बाप रे तुमने तुमने ऐसा कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था। चलो कोई नहीं, मैं इसका एक आसान वर्जन देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अगर मान लो ऐसा कुछ आ गया, ये तो बहुत इजी वर्जन हो गया ना, दिस विल बी इजीली डन। यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, और 1/4 इंटू साइन ऑफ 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन ऑफ 2x का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2x को अपन फटाफट कॉस 2x के टर्म में लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ये 1/4 बाहर रहेगा, ये हो जाएगा हाफ डी एक्स, माइनस ये हो जाएगा हाफ इंटू कॉस ऑफ 4x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इंटीग्रेबल इंटीग्रेबल ये हो जाएगा। ये भी कोई खास नहीं है, कर लोगे करने को, कॉस की पावर 4 तो क्लास में किया अपन, थोड़ी सी मेहनत है इसमें ज़रूर, लेकिन कर लेंगे, कहीं ना कहीं से तो कर ही लोगे आप, ठीक है, कॉस की पावर 6 कैसे करोगे वैसे? कॉस 4 और कॉस 2, हाँ थोड़ा सा लंबा तो हो ही जाएगा, नहीं वही मैं सोच रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने ऐसे ही खुद से ही दिया था इसलिए फंस गए लगता मेरे को। मैंने पावर सोच के नहीं दिया ना ज़्यादा, मैंने कोई भी दो इवन पावर लगा दी। कॉस की पावर 6 है ना, ऐसे तो करने को कर लेंगे, लेकिन इसमें ना तो कोई नहीं, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट लिखूंगा मैं यहाँ पे, जगह जहाँ पे आपने छोड़ी होगी, ठीक है, देखते हैं हम लोग ट्राई करके। देखते हैं कॉस की पावर 6 को मैं ऐसे ही रफ में ट्राई करता हूँ, व्हाट शुड आई डू, इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन साइन नहीं आएगा ना यार ऐसे तो, ठीक है कोई बात नहीं, एक कॉस स्क्वायर अलग करा, एक कॉस की पावर में 4 अलग करा, तो उसमें कॉस की पावर 4, देखते हैं सोच के अपन। खैर मैंने खुद ही कुछ भी पावर लगा के दे दिया, इस कारण अपन थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा पावर देख रहे। खैर आपको क्वेश्चन जो देगा वो टेलर मेड होगा, आसानी से इंटीग्रेबल होगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर में 4x, लेट अस सी, जितना अपने से बन पड़ेगा अपन वहाँ तक तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे ही, ये तो हो जाएगा अगेन, क्योंकि अच्छा तो सेम आ गया वैसे ना, ठीक है, लेट अस फोकस ऑन दिस, इसको और थोड़ा सा आसान करते हैं, इस कॉस साइन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिख दिया, पावर 4 है ना, और छोटा करेंगे तो फिर नहीं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4, बाय चांस अगर मैंने इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, सोचने दो, ए स्क्वायर मतलब 1 इंटू साइन स्क्वायर इंटीग्रेबल प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन की पावर 6 आ जाएगा। तुमने क्या बोला बताओ, कॉस क्यूब कॉस क्यूब कर दे, फिर कॉस 3x प्लस 3 कॉस x हाँ अपॉन 4, ठीक है, कॉस स्क्वायर, ओके, हाँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा एक, हाँ वो हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेबल, बढ़िया सोचा, नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। और सोच रहा हूँ मैं और क्या क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन में यही मजा है, आप है ना बस सोचते रहोगे और कैसे कैसे कर सकते हैं उसको, जैसे यहाँ पे अपन कर रहे थे तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा अपने से, बट दिस आई वांट टू क्रैक इट टू, 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखने तो फंस रहे हैं,
वन माइनस कॉस स्क्वायर लिखा तो दोबारा यहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। ये एकदम सही करा तुमने, क्या करा, कॉस की पावर सिक्स को लिख दिया कॉस क्यूब इंटू कॉस क्यूब, है ना। फिर अच्छा ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूले से आया, कोई अगर ऐसा सोच रहा है माइनस नहीं आएगा बीच में, ठीक है। कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला बता दो कोई मुझे, कॉस थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसी से अपन ने क्या करा, कॉस क्यूब एक्स को लिख डाला कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स, ठीक है, ऐसे लिख दिया, और ऐसा दो बार है तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, वन बाय फोर को बाहर निकाल लिया, वन बाय सिक्सटीन, फिर करेंगे अपन ए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थ्री एक्स प्लस बी स्क्वायर, मतलब थ्री कॉस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नाइन कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेबल, ये इंटीग्रेबल, ये इंटीग्रेबल, प्लस टू ए बी, मतलब सिक्स टाइम्स कॉस एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स, ठीक है। यहाँ पे कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाओगे और हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। चलो इसी बहाने कोई मुझे बता दीजिए कि टू कॉस ए कॉस बी क्या होता है, प्लस वाला हो, दोनों कॉस होंगे और बीच में प्लस, अंदर का आइटम तो पता है अपने को क्या होगा, बस इसको आप ऐसे ब्रेक करोगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब कॉस ऑफ एक्स प्लस थ्री एक्स फोर एक्स प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स, बहुत आराम से इंटीग्रेबल, ये भी हो गया, ये भी हो गया और वो भी हो गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो बस करना क्या है आपको, जब भी दोनों इवन आ जाए तो आपको बस यही करना है, यूज योर कॉमन सेंस ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। अच्छा फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट जो मैंने आपको बताया है मैं आपको लिखवा जरूर देता हूँ, हाँ। आता ही नहीं कभी, आ ही नहीं सकता, दो बार डीटी गलती से ही आता है, मैं मुझे पता है आपका कैसे आया होगा अभी मैं जान गया हूँ आपको आपने कुछ ऐसा किया होगा जो नहीं करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, क्या हो गया, मैं फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं, इफ एम एंड एन, इफ एम एंड एन आर रैशनल नंबर्स, इफ एंड एन एंड एम आर रैशनल नंबर्स एंड एम प्लस एन माइनस टू बाई टू इज नेगेटिव इंटीजर, पता है ना कहाँ लिखना है आपको, फोर्थ पॉइंट ए इज नेगेटिव इंटीजर और नेक्स्ट लाइन इफ एम एंड एन आर बोथ नेगेटिव इंटीजर्स, ओके इवन इंटीजर्स, मैंने यहाँ गलत लिखा है, इवन इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव इवन इंटीजर, देन लिख लो आप, 1% दिमाग मत लगाओ, बस छाप लो इसको, सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा, देन सब्स्टिट्यूट tan x is equal to t और या फिर cot x is equal to t, बस ये दोनों काम करना है आपको। अभी ये सब क्या हो गया अचानक से वो मैं बताऊंगा आपको, एक क्वेश्चन और था मेरे पास इसी में,
कोई बात, चलो क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, बट ये वाला अपन क्वेश्चन करते हैं। अभी क्या लिख दिया मैंने ये सब बकवास, देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है इफ एम एंड एन आर रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म का कोई भी नंबर हो गया, कोई भी नंबर पी बाई क्यू फॉर्म का, अगर वो नेचुरल हुआ, अगर वो नेचुरल हुआ तो वो अपन तीन पॉइंट देख चुके, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लेकिन अगर m और n रैशनल हुआ और m प्लस एन माइनस टू बाई टू नेगेटिव इंटीजर हुआ, इतना कौन सोचेगा यार, है ना, इतना तो नहीं सोच पाएंगे अपन। खैर मैंने लिखवा जरूर दिया है आपको, ताकि आप कहीं पर भी इसको पढ़ो तो समझ जाओ कि हाँ हमने भी लिखा है, बट इसको यूज कैसे करना है। दूसरी बात, अगर पावर्स दोनों की दोनों नेगेटिव हो गई, दोनों की दोनों पावर्स नेगेटिव हो गई, देन आपको ये करना है काम। देखते हैं, मैं आपको सबसे पहले एक आसान क्वेश्चन देता हूँ और आप देखना एक बार इस तरीके से करेंगे अपन सॉल्व, और एक बार मैं आपको बताऊंगा कि बिना ये सब करे भी अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट dx अपॉन साइन x इंटू कॉस क्यूब x, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको ओपन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यार आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो साइन की पावर में माइनस वन एक्स इंटू कॉस की पावर में माइनस थ्री एक्स डीएक्स, समझ आ रहा है। अब यहां पे देखो m और n दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है ना, बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स, नहीं वो इनवर्स नहीं है यार, साइन की पावर में माइनस वन है ना, इतनी तो भावनाओं को समझ जाया करो, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आ गया तो हम क्या करेंगे, मैंने बोला एम एन एन आर बोथ नेगेटिव इवन इंटीजर, दोनों नेगेटिव है ना। अच्छा देखते हैं, नीचे वाला तो नहीं है क्योंकि इवन लिखवाया मैंने, खैर रूल के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, फिर बिना रूल के हिसाब से बताऊंगा, रूल के हिसाब से बताता हूँ ना तो मेरे को खुद समझ में नहीं आता है। फिर भी देखो m प्लस एन करेंगे अगर अपन, तो माइनस वन माइनस थ्री कितना हो गया, माइनस फोर, माइनस फोर माइनस टू कितना हो गया, माइनस सिक्स बाई टू माइनस थ्री, इट इज़ ए नेगेटिव इंटीजर। अगर नेगेटिव इंटीजर है तो आपको टेन एक्स कुटी रखना है, यहाँ पे तो टेन एक्स है ही नहीं, मतलब आपको टेन बनाना पड़ेगा। टेन कैसे बनता है, जब साइन के नीचे कॉस आता है। तो टेन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि किसी साइन को पकड़ेंगे, कोई एक साइन को पकड़ा और बोला कि इसके नीचे अपन कॉस डालेंगे, तो ये वाले साइन के नीचे कॉस डालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब आपको मान लो ये चीज़ रटी रह गई, आपको रटा हुआ है कि ऐसा करना है, ठीक है, जो सर ने बताया था उसमें टेन एक्स को टी रखना है, तो आप यहाँ पे टेन एक्स बनाओगे, तो टेन एक्स बनाने के लिए आप क्या करोगे, कॉस से मल्टीप्लाई करोगे नीचे और ऊपर भी, तो ये कॉस की पावर फोर बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक टेन बन गया, लेट अस सी क्या होता है। तो ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू सेक की पावर में फोर एक्स, है ना, वो जो सेक की पावर में फोर एक्स ऊपर आ जाएगा, वो सेक की पावर में फोर, सोच कर देखना, है ना, नीचे कॉस की पावर फोर बनेगा, वो ऊपर जाके सेक की पावर में फोर आ जाएगा। और सेक मैंने इसलिए लिखा कि टेन के सामने अपन सेकेंट ढूंढते, तो ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्यों लिखा, ये आप अच्छे से समझते हो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है टेन का अपॉन टेन एक्स, तो टेन एक्स को टी रखा, ये पूरा डी टी, तो डी टी अपॉन टी, और ये वन प्लस टी स्क्वायर, ओरली कर रहा हूँ मैं लेकिन लिख देता हूँ, टेन एक्स को अपन ने टी बोला, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया डी टी। अब भाई उसने जो बोला था वैसा अपन ने किया तो फटाफट आंसर आ भी गए, है ना, तो उसने जो लिखा है वो सही लिखा है, वन प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन में क्या जाएगा टी, ठीक है, ये इंटीग्रेट हो जाएगा अपने से। हाँ। क्या हो गया तुम लोगों को, ln t plus t square by 2 हो जाएगा। हाँ अरे वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस c भी तो करना है, तो मान लो अपने को ये याद रह जाता है कि tan x बनाना है, तो बहुत अच्छी बात है, याद तो नहीं रहेगा, है ना, भूल जाओगे तो क्या करोगे। तो ना मैं आपको एक कॉमन तरीका भी बताता हूँ, ये जो tan और sec square बनाने वाला तरीका है ना, ये कोई रूल नहीं है, ये भी एक पार्ट ऑफ कॉमन सेंस है। मतलब कि अगर आपको ऐसा दिखता है कि साइन है और कॉस की कुछ पावर है और डिनोमिनेटर में सारा खेल चल रहा है,
डिनोमिनेटर में कॉस की पावर्स होती है ना, तो ऊपर जाके वो सेक बनता है, समझ आ रहा? फिर से सुनो, अच्छे सुनो हर कोई। डिनोमिनेटर में कॉस होता है तो वो ऊपर जाके सेक बनता है, तो ये बेसिकली कॉस क्यूब नहीं लिखा है, ये सेक क्यूब लिखा है। अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसे देता ना आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स, तो आप तुरंत समझ जाते कि अच्छा टैन और सेक वाला खेल है, लेकिन वैसे नहीं दिया मैंने आपको, मैंने आपको साइन और कॉस के टर्म में दिया। तो आपको खुद से रीड करना आना चाहिए कि अच्छा ये सेकेंट क्यूब ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये सेकेंट है तो हम लोग इसको टेंजेंट और सेकेंट वाला खेल बनाने के लिए यहाँ पे कॉस से डिवाइड और ऊपर कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये टैन और सेक जो अपन ने यहाँ पे किया है, याद रखने वाला काम, बिना याद करे भी हो जाता। दूसरा इसका एक और बहुत शानदार तरीका है, बहुत शानदार तरीका जो बिना याद रखे अपन कर सकते हैं, ठीक है? इसको ध्यान से देखना है ना, थोड़ा बाउंसर जा सकता है। मैं आपको सिखाता हूँ। ये साइन और कॉस के पावर्स आपको दिखते ना, अगर साइन और कॉस के पावर दिखते हैं अगर डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में तो अपने को हैंडल करते आता है। यहाँ पे अगर साइन की पावर में मान लो 2 भी होता तो भी ये तरीका वैलिड होता, हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि साइन की और कॉस की आपको पावर दिखती है डिनोमिनेटर्स में, तो आप क्या करो पता है, न्यूमिनेटर में जो 1 लिखा होता है ना, उस 1 को स्टाइलिश तरीके से लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर बंटवारा कर दो, ठीक है? ये सबसे शानदार तरीका है। ऊपर वाले 1 को अपन ने क्या करा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, बंटवारा कर दो, क्वेश्चन खत्म है। सच में दिस अपॉन डिनोमिनेटर करो, क्या आएगा ऊपर साइन एक्स और नीचे क्या आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स, ठीक है? आप देखना ये इंटीग्रेट हो पाता है कि आपसे हो गया ना, कॉस का डेरिवेटिव ऊपर साइन है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, तो कॉस स्क्वायर कट गया तो 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी इंटीग्रेबल है। यहाँ 2 दिया, यहाँ 2 लिया, ये क्या लिखा है साइन 2x, मतलब कोसेक 2x, कोसेक 2x और 2 कोसेक 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln ऑफ कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln ऑफ, तो कोसेक ऑफ 2x माइनस cot ऑफ 2x अपॉन 2 भी करेंगे, बहुत बढ़िया। तो ये 2 कट गया, और ये वाला तो क्या हो जाएगा cos को, ओरली cos को t बोला तो माइनस sin x dx dt हो जाएगा, है ना? तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो ऊपर पूरा डी टी हो गया और नीचे कितना हो गया टी क्यूब, ठीक है? तो ये हो जाएगा टी की पावर में माइनस 3 लिखा है, ध्यान से देखो 1 बाई टी क्यूब मतलब टी की पावर माइनस 3, माइनस बाहर एक उसको लिखा, टी की पावर में माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, ठीक है? ये आपका आंसर आ जाएगा दिस प्लस दिस, ठीक है? कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में अगर आपको साइन और कॉस की पावर्स दिखती है तो ऐसे करो, तुरंत आंसर आता है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर भी होता तो भी ये सॉल्व होता, समझे? इजिली हो जाता। साइन क्यूब होता तो भी ये सॉल्व होता, इजिली सॉल्व होता, है ना? बहुत औकात के बाहर पावर नहीं मिलेगी आपको कि यहाँ पे 55 दे दी या 56 दे दी, ऐसा नहीं करेगा, 3-4 ऐसे ऐसे नाश्ते रहेगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, नहीं नहीं होता, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, सबसे सेम आएगा। ऐसे मैं लास्ट तक सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्या हो गया, मतलब अच्छा लास्ट तक सॉल्व करने का, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हो। हाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन हो जाता है मैच, हो जाता है, चिंता करने वाली बात नहीं। तो इसको आप है ना टिप बुक में लिख दो, ये तो बहुत शानदार टिप थी, ये तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर लिख के रखे। क्या लिखना है आपको, लिखना ये है कि 1 अपॉन में आपको साइन और कॉस की, साइन और कॉस की पावर्स मिलती है अगर ऐसे, तो है ना ऊपर वाले 1 को आप क्या कर दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो और फिर बंटवारा कर दो। इरोडो क्या कह रहे, इरोडो अच्छा अच्छा इधर है रुक, मेरे को इरोडो सुनाया नहीं किया, एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने रोडो का फर्स्ट वाला, सर आप लोगों ने भी शायद किया होगा पता नहीं, वो जो बोट वाला क्वेश्चन है ना, मैंने वही किया था, लगा था उसमें कुछ आधा पौना घंटा आंसर आ गया था एक दिन, बहुत हाँ वो फीलिंग आती है कि रोडो का क्वेश्चन हो गया, बट समझ रहे हो ना रोडो का क्वेश्चन करना कंपलसरी भी नहीं है सर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, अनलेस एंटिल आपने सब पढ़ रखा है, आपके पास बहुत समय है, बहुत किसने कुछ कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट खैर हमारे टीचर्स बोल देते थे कि यार मत करो जरूर नहीं।
ओके, तो अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है, दिस इज द एंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ ये खत्म हो गया, मतलब इसका एप्लीकेशन आता रहेगा आगे, बट इससे ज़्यादा सीखना नहीं है अपने को। अगर आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया, इसका मतलब आपने सब कुछ ध्यान से सीख लिया, समझ लिया है, देर इज नथिंग मोर टू लर्न, देर इज मोर टू अप्लाई नाउ, बस इसको अप्लाई करना सीखना है, ठीक है। तो मैं नया मेथड जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट डे ही स्टार्ट करूँगा कि आज कर दूँ? करने को तो मैं 15 मिनट है, मैं तो पढ़ा दूंगा पढ़ाने को लेकिन आपका कल इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है, तो मैं आपको जल्दी छोड़ देता हूँ। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक्चुअली तो सबसे डिफिकल्ट है सभी टॉपिक्स में, बट आप चिंता मत करो, मैं आपको एकदम आखिरी तक सिखा दूंगा। वही एग्जैक्टली, दैट इज द यूवी रूल। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाता है ना, दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाता है, तो अपन क्या करते थे उसमें यूवी डैश प्लस वी डैश डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में थोड़ा अलग होता है, देखो क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इतना लिख देता हूँ फिर मैं आपको बोल के बताऊंगा, क्योंकि मैंने रट रखा है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ऐसा रहता है ना, फर्स्ट फंक्शन एफ हो सकता है, सेकंड फंक्शन जी हो सकता है, लेकिन मैंने फर्स्ट और सेकंड से याद रखा है, तो ऐसा होता है। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन। इट इज लिटिल डिफिकल्ट है ना, लेकिन आपको एकदम ऐसे फ्लो में याद हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। आप इतने क्वेश्चन करोगे आपको एकदम रट जाएगा, ठीक है। तो पहली बार में सबको डर लगता ही है, देन यू विल गेट यूज्ड टू इट। 7 तारीख के बाद नहीं भाई, मेरे को खत्म करना है ये टॉपिक बहुत जल्दी, ठीक है। तो आज का लेक्चर तो अपन यहीं पर विराम देंगे, ठीक है। तुम कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो ये क्या है ये? हाँ क्या क्या दिक्कत है जिंदगी में, देखो हम बचपन में ये वाला हैक देखते थे कि अंगूठा काट दिया ये मेरे को आज तक करते नहीं आया कि ये लो भाई अंगूठा काट दिया, आता है तुम लोगों को ये अंगूठा काट दिया। चलो ये मैं कट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ठीक है, डोंट माइंड, ठीक है, चलिए रखते हैं हम लोग, बाय एवरीवन, थैंक यू।